कहीं ना लिखा है, देखो ना मेरी आँखों में तुम, छिपा है तेरा ख्वाब, छिपा है, कैसे बताऊँ कितना चाहूँ मैं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। Why can't you stop thinking about your twin flames? बहुत बार आप क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम ट्विन फ्लेम याद आते ही रहते हैं, कभी भूल ही नहीं पाती हूँ मैं, या पाते मैं पाता हूँ। आपका जैसा जेंडर है वैसा लीजिएगा, मैं फीमेल हूँ इसलिए ये मुझे पाती हूँ, ये मुझे ज़्यादा इजी रहता है इसलिए मैं इस तरह से बोलती हूँ। देखिए, आप अपने ट्विन फ्लेम को ना तो कभी भूल सकते हैं ना तो कभी दिल से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सोल आपको पुश करती रहती है ग्रो करने के लिए, इवॉल्व होने के लिए। आपको लगातार याद दिलाया जाता है कि आप यहाँ किस पर्पस से आए हैं या आई हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रूपाली आप सबका आपके अपने चैनल असेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यू आर मीन टू मैनिफेस्ट दिस यूनियन सो दैट यू कैन बिकम अ रियल डिवाइन बींग। आप अपने ट्विन फ्लेम को बिना किसी कंडीशन के प्यार करते हैं, है ना, जिसमें सब कुछ परफेक्ट होना नेसेसरी नहीं होता। आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हमेशा यूनियन फील करते हैं बिना किसी आउटसाइड प्रूफ के। आपको कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्टेड हैं, क्योंकि आप कभी बिछड़े ही नहीं हैं। हमारी लाइफ में कितने पर्सन्स आते जाते रहते हैं, पर ये एक ऐसा पर्सन जो हमें अंदर तक बदल कर रख देता है, जो हमें सिखाता है कि हम खुद पर काम करें, जिसके आने से हम जान पाते हैं कि सच्चा प्यार होता कैसा है। कैसे कोई अपने आप को भूल सकता है क्या इस दुनिया में, इस जहां में कोई जो खुद को भूल जाए? कोई नहीं। टू गेट ट्विन फ्लेम यूनियन यू हैव टू बी अनकंडीशनल। आपकी आउटर रियलिटी चाहे जो भी हो, आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें। कमियां किस में नहीं होती, हाँ, पर उन कमियों को पहचान कर जो रेक्टिफाई करें उसे कहते हैं प्योर फॉर्म में आना। गो विद इन टू सर्च योर एनर्जी। जरा देखिए तो कहाँ आपको चेंज होना है। आप लोगों में से कुछ लोग ये सोचकर इस जर्नी को पेनफुल समझने लगते हैं कि इसमें यूनियन पॉसिबल नहीं है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम इज कंप्लीटली अटेनेबल। आप एक बार कोशिश करके तो देखिए, एक बार आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई फिर आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। आपकी थॉट्स आपके ट्विन फ्लेम के आसपास जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हाँ, आप इस फेस को कर्स या फिर ब्लेसिंग्स के जैसे ले सकते हैं। यू कैन चूज टू रन फ्रॉम इट एंड डिनाई दिस, और यू कैन सरेंडर एंड लेट योर ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट। मैं आपके साथ फोर रीजंस शेयर करने जा रही हूं कि क्यों आप अपने ट्विन फ्लेम को कभी भुला नहीं पाते। रीजन नंबर वन, सेपरेशन इज एन इल्यूजन। आप जहां कहीं जाएं, जहां कहीं भी हो, अगर आप सेपरेशन में हैं फिर भी आपको लगेगा आपके आसपास आपके ट्विन फ्लेम हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ? यू एंड योर ट्विन फ्लेम ऑपरेट एज अ सिंगल एनर्जेटिक यूनिट। यू ऑलवेज फील एन एनर्जेटिक हार्मनी बिटवीन यू एंड योर ट्विन फ्लेम। इसलिए आप कभी कभी अपने ट्विन फ्लेम को कभी भी अपने ट्विन फ्लेम को भुला नहीं पाते, क्योंकि आपका सेपरेशन एक इल्यूजन है। आप हमेशा सिल्वर कॉर्ड से
एक दूसरे के साथ टाइड होते हो, बंधे होते हो, जुड़े होते हो। रीजन नंबर टू, ट्विन फ्लेम लव एक ऐसा यूफोरिक लव फीलिंग है जो इस दुनिया के किसी और प्यार में नहीं हो सकता। द बॉन्ड इज सैक्रेड एंड इटर्नल। हो सकता है आपने ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले या बाद में भी किसी और से प्यार किया हो, पर उन दोनों के प्यार को कंपेयर करने पर ट्विन फ्लेम लव में जो इंटेंसिटी और क्लोजनेस आपने फील किया वो कभी किसी और लव अफेयर में फील नहीं किया होगा, है ना। रीजन नंबर थ्री, ट्विन फ्लेम कनेक्शन रियल कनेक्शन होता है जिसमें ब्रेन और बॉडी से कहीं ज़्यादा सोल इन्वॉल्व रहती है, जहाँ प्यार शक्ल देखकर, बॉडी देखकर, कॉम्प्लेक्शन देखकर, स्टेटस देखकर, कास्ट और रिलीजन देखकर नहीं किया जाता। और ना तो ये आजकल के प्यार जैसा 2-4-6 महीने में फिर से किसी और से प्यार हो जाने जैसा होता है। यू कैन रन टिल द एंड ऑफ द अर्थ, यू कैन हाइड ऑल्सो, बट यू कांट एस्केप ट्विन फ्लेम लव। रीजन नंबर फोर एंड द लास्ट रीजन, आपके ट्विन फ्लेम भी आपको सोचते रहते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट कहता है कि जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो इसका सिंपल इंडिकेशन वो पर्सन भी आपके बारे में सोच रहा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कई बार जैसा आप सोचते हैं ठीक वैसा आपके ट्विन फ्लेम भी सोचते हैं? जो आप मैसेज करना चाह रहे हैं ठीक वैसा मैसेज आपके ट्विन फ्लेम ने भेजा? जो आप बोलना चाह रहे हैं वो आपके ट्विन फ्लेम ने बोल दिया? बिकॉज यू बोथ आर लिंक्ड टू ईच अदर। अगर आपको ट्विन फ्लेम सोलमेट या पर्सनल रिलेशनशिप के लिए किसी प्रकार की कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे दिए गए नंबर जो कि आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए। पर ध्यान रखिएगा, पर्सनल गाइडेंस पेड होता है। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो इस जर्नी को एक्सेप्ट करें। ये थे 4 रीजन। मुझे उम्मीद है आप सबको आंसर मिला कि क्यों आप सारे दिन अपने ट्विन फ्लेम के बारे में सोचते रहते हैं, क्यों ऐसा एक भी दिन नहीं होता जो आपको उनकी याद नहीं आए, भले ही आप टुगेदरनेस में हैं या सेपरेशन में। तो अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं तो इस जर्नी को एक्सेप्ट करके इसे एम्ब्रेस करें। आई डिड इट, यस आई डिड इट, एंड नाउ आई एम इन रियूनियन विथ माई ट्विन फ्लेम एंड अनलॉकिंग द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ऑल्सो फ्रॉम द यूनिवर्स। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले विश्वास करना होगा कि आप ट्विन फ्लेम हैं। अगर ट्रू ट्विन फ्लेम है तो ही इस रास्ते पर आगे बढ़िए। और अगर आपको लगता है कि आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो ट्विन फ्लेम है या नहीं है, तो प्लीज़ इसको चेक कराने के लिए एक बार रीडिंग ले सकते हैं। आज का वीडियो इसी पे बेस्ड था कि क्यों आप सारे दिन अपने ट्विन फ्लेम को सोचते रहते हैं। 4 रीजन्स मैं 4 रीजन्स आपके लिए शेयर की हूँ जो मुझे पता है, और 4 रीजन्स आपको भी आज पता चल गया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को भी साथ ही प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। ढेर सारे ब्लेसिंग्स के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय।